वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। दोस्तों, महेंद्र जीत सिंह, तुसीं देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक ते यूट्यूब चैनल अपनी ही वीडियो होंदी है क्या ओएनए, यानी कि क्वेश्चन दे आंसर। तुसीं कमेंट दे रूप विच मैनूं सवाल करदे हो और मैं तुहाडे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो च दिंदा हुणा। यह वीडियो हर रोज़ रात नूं यूट्यूब तों रिलीज़ होंदी है। आओ शुरू करदे हैं अज दा क्या ओएनए। गुलफाम हुसैन लिखदे ने, सर कनेडा का विजिटर वीज़ा कंपनी इनविटेशन पे लग सकता है। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, 15 लाख का बैंक बैलेंस है, फ्रेश पासपोर्ट है। गुलफाम फ्रॉम पाकिस्तान। यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, होटल बुकिंग पे भी वीजा लग सकता है। यदि आप बोल रहे हो कि बिजनेस की इनविटेशन, तो आपका जो बिजनेस है वो वहाँ होना चाहिए और उस बिजनेस के आपने पेपर लगाने हैं और उसी बिजनेस के रिलेटेड आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए, तब बिजनेस इनविटेशन पे भी वीजा लग जाता है। जो वीजा है नहीं, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। उसके लिए चाहे आपको कोई इन्विटेशन है चाहे नहीं है, चाहे किसी की पर्सनल स्पॉन्सर है, बिजनेस स्पॉन्सर है या किसी की होटल बुकिंग है, मैटर नहीं करता, वीजा जो लग जाता है। सो जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से यदि की इनविटेशन है उसके साथ रेलिवेंट है, तो आपका वीजा जो वो लग जाएगा। अगला जेड़ा कमेंट हैगा जी, हीरो मुंडा लिखदे ने, सर मैं ये पूछना चाहना है कि तुसीं कितने दिन ऑफिस मिलते हो। मोहाली में तकरीबन ज्यादा दिन होंदा, ते जेड़े बाकी दे ऑफिस होंदे ने जी, वह मैं वीकली जेड़ा विजिट करता, तुसीं टाइम लैके अपॉइंटमेंट बना के मैनू मिल सकते हैगे हो। अगला कमेंट है बाबा अहमदा लिखदे ने, प्लीज लेट मी नो 24 एज च अप्लाई हो सकता न्यूजीलैंड का वीजा। देखो, न्यूजीलैंड दे विच तां असीं 18 साल एज दे विच भी लेते नहीं, न्यूजीलैंड का वीजा कोई इशू नहीं है। न्यूजीलैंड का वीजा हो सकता है, जेकर थोड़ी मोटी भी थोड़ी प्रोफाइल अच्छी हैगी है तो वीजा जेड़ा हैगा जी वो लिया जा सकता हैगा। न्यूजीलैंड हुण न्यूजीलैंड ने की करता, इंटरव्यू स्टार्ट कर दित्तियां ने। सो जो थोड़ी एप्लीकेशन फार्म है जो उहदे तुसीं भरिया हैगा वह तुहानूं पता होना चाहिए, और जे तुसीं इंटरव्यू क्लीयर कर दिंदे हो तां वीजा जेड़ा हैगा वह लग जांदा है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। इंटरव्यू तों घबराउण की लोड़ नहीं हैगी, तुहानूं सही जानकारी पता होनी चाहीदी है। तुहानूं पता होना चाहीदा कि तुहाडे एप्लीकेशन फार्म दे विच की भरिया हैगा, पता होना चाहिए हैगा कि थोड़ा होटल बुक केड़ा हैगा, तुसी न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हो, जेड़ा कंसल्टेंट थोड़ी फाइल तैयार करता हैगा, तुसी उस तो पूरी जानकारी ले सकते हो और इंटरव्यू की तैयारी भी जेड़ी हैगी है वो कर सकते हो। अगला कमेंट है जी लक्की पनेसर दा, लिखदे ने, सत श्री अकाल जी, मैं दुबई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हाँ, 1 साल हो गया जी, मेरी कंपनी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ना NOC देगी ना ही वेकेशन देगी, मैं किदां अप्लाई कर सकता, ओल्ड फंड भी नहीं हैगा, न्यू 5 लाख का फंड हैगा। देखो, NOC कोई जरूरत नहीं होंगी, बहुत सारिया इस तरह की कंपनी ने जी NOC रिलीज़ नहीं कर दी, छुट्टी रिलीज़ नहीं कर दी, आप फिर की मैनशन करते हैं, SOP के मैनशन हो जाता है कि जो मेरा वीजा आ जाएगा उदो मैं कंपनी तो छुट्टी जी हैगी है जी वो ले लूँगा। और फंड जोड़ा है दोस्तों, जो फंड पुराना है तो बहुत वधिया गल है, जो फंड पुराना नहीं है तो तुम बैंक स्टेटमेंट ना लाओ, फिर तुम बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ला लो, उस भी थोड़ा जोड़ा काम है वो चल सकता है जी। अगला कमेंट है जी न्यूक्लियर बॉय लिखते ने जी, अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो उसके लिए लीव लैटर चाहिए। मैं हूँ ही जवाब देके हटिया, जे तो लीव लैटर लै सकते हो, NOC लै सकते हो तो बहुत वधिया गल है, जे नहीं लै सकते कोई गल नहीं, फिर SOP दे विच ये चीज मैनशन हो जाती है कि मैं इतने जॉब करता है, बट जो मेरा वीजा आ जाएगा उदो मैं जी लीव है वो लै लूंगा। अगला कमेंट है जी मनमोहन सिंह का लिखते ने, वाहगुरु जी खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी, सर मेरी ते मेरे जीजा दी जी फाइल लगन जा रही है कनेडा दी टूरिस्ट वीजा दी, प्लीज एक बार जरूर चेक कर लियो, साढ़े तो कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम, तुसी सानू जिहड़ी वी फाइल दिंदे हो असीं जरूर अपने वल्लों उहनूं हर एक तरीके नाल वधिया बनाउण दी कोशिश करदे हैगे। अगला कमेंट है हैप्पी ढिल्लों दा लिखदे ने, सर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, 2 साल दी ITR ने, करंट अकाउंट है 2.5 लाख सेविंग अकाउंट च है, 5 लाख ने, सिस्टर दी स्पोंसर है, कनेडा दा वीजा लग जाएगा जी। देखो, जदों जिहड़ी स्पोंसर हैगी दोस्तों, थोड़े किसी ब्लड रिलेशन दी हो जांदी, थोड़े किसी भाई भैण दी या थोड़े ब्रदर इन लॉ दी सिस्टर इन लॉ दी स्पोंसर हो जाती है, उदों वीजा लगन के जिहड़े चांसिस ने वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा ठीक है सारा कुछ, बस थोड़ी जी फाइल वधिया तरीके नाल लग जाती है तो थोड़ा वीजा आने के चांसिस ने वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी थोड़ी प्रोफाइल अच्छी है, तुसी आपका वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगला कमेंट है रजनी शर्मा लिखते ने, सर ही सर मेरी कनेडा में 2 बार रिफ्यूजल आ चुकी है, लास्ट दिसंबर में आई थी और आपसे न्यूजीलैंड का वीजा प्रोसेस शुरू किया हुआ है, प्लीज
अप्लाई करना कि मैं कनाडा का कब दोबारा वीजा अप्लाई कर सकता हूँ और कि मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। देखो ऐसा होंगे दोस्तों के जेकर थोड़ी बार बार रिफ्यूजल आ रही है कनाडा तो है ना, फिर तुम कनाडा बार बार अप्लाई ना करो, कोई होर कंट्री का अप्लाई कर लो। उत्थे जो वीजा आ जाता है तो वह वीजा जोड़ा है तुम दिखा के फिर कनाडा का वीजा लै सकते हो। न्यूजीलैंड असी इसलिए जोड़ा है थोड़ा कहने क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी लिमिट है वीजा लैन वास्ते, तुम्हें रहना तो है नहीं, थोड़ी जी तुम्हें जाना तो कनेडा होंगे, सो तुम एक बार न्यूजीलैंड का वीजा लैके विजिट करके वापस आ जाओ, दैन तुम कनेडा का करोगे तो थोड़ा वीजा मिल जाएगा। सो इस टाइम न्यूजीलैंड रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, वीजे अच्छे आ रहे हैं न्यूजीलैंड का, इस करके बेनीफिट जोड़ा है वो लै सकते हो। अगला कमेंट है जी गुरप्रीत समरा का, लिखते हैं भाजी तुहाडे बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट से वीजे आए हैं, जे नहीं है तो बिजनेस परसन ओनली बैंक सर्टिफिकेट ला सकता है? देखो हर एक बंदा जो है वो नहीं ला सकता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकता, सो जो बंदे ने वो बैंक सर्टिफिकेट देते हैं। बैंक सर्टिफिकेट एक होर चीज़ वास्ते भी दिता जा सकता है कि जो अपने फंड नवे हो, सो अपना नवे फंड नहीं ला सकते, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ही लग जाता है और बहुत सारे वीजा आते हैं, सो तुम्हें घबराने की लड़ नहीं, तुम बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट से भी जो आपका वीजा है जी वो लै सकते हो। अगला कमेंट है रेणु थापर का, लिखते हैं विदाउट पीआर न्यूजीलैंड अपना खुद का घर नहीं कर सकते हैं? हर कंट्री के अलग अलग रूल होंगे ने जी, ये दिक्कत आई हैगी है कैनेडा के कि जो बाहर का बंदा वो घर बाय नहीं कर सकता, सो न्यूजीलैंड तुम न्यूजीलैंड के जो नियम है जी वो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तो तुम उ जोड़ा है अपना सारा काम कार जोड़ा है वो सैटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी। अगला कमेंट है जी गगनदीप ब्लॉग का, लिखते हैं सर आर्मी पर्सनली NOC किन्नी को जरूरी है? कैनेडा का वीजा लिए विदाउट NOC आ सकता? मैं इस सवाल का जवाब पहला भी दे चुके हैं कि NOC की रिक्वायरमेंट थोड़ी अपनी होंगी है, थोड़े डिपार्टमेंट की होंगी है। हूँ जिमें जी डिफेंस फोर्सिज ने, फोर्स है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सिज ने, उत्थे की है कि तुम फौज की परमिशन तो बिना या उस ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन तो बिना बाहर विजिट नहीं कर सकते, सो उस वास्ते सू NOC चाहिए होंगी, वीजा वास्ते नहीं। वीजा जब आप अप्लाई करते हैं SOP से चीज़ मैनशन की जा सकती कि मैं गवर्नमेंट जॉब से, बट जो मैं वीजा मिल जाता है तो मैं NOC लै लूँगा और मैं लीव भी लै लूँगा। एक चीज़ मैं तुम्हें होर भी दसदा, कभी भी NOC करके लीव लैटर करके वीजा रिफ्यूज नहीं होंगे, जेकर चाहती है एम्बैसी के हाँ थोड़ी NOC हो तो थोड़े तो मंग भी लेंदी हैगी है। बहुत इस तरह के केसिज ने, हूँ एक आस्ट्रेलिया का पिछले केस से आर्मी परसन सी विदाउट NOC तो वह वीजा अप्लाई कर दिता, बट रिक्वायरमेंट सी एम्बैसी चाहिए होनी, कुछ वीजा अफसर मंग लेंगे ने कुछ नहीं, सो उन्होंने मेल कर दी कि सानू ये चीज़ प्रोवाइड कराओ, फिर वो प्रोवाइड करा दी वीजा आ गया। सो ये कोई बहुत वड्डी मैटर ये चीज़ नहीं करती कि थोड़े को NOC है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ NOC करके थोड़ा वीजा जोड़ा है जी वो रिजेक्ट नहीं होंगे। अगला कमेंट है मनजोत कौर हंजरा का, लिखते हैं सर मेरी आस्ट्रेलिया की 2 रिफ्यूजल ने, 2 साल की ITR भी हैगी है, सलून और बुटीक की 4.5 लाख की हैगी है, बैंक बैलेंस FDR 3,20,000 की है, कि पॉसिबल हैगा न्यूजीलैंड का वीजा? मैं तुम्हें ऑलरेडी पहला ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड वास्ते कोई फंडा की जरूरत नहीं, जो न्यूजीलैंड का वीजा आता वीजा कंडीशन बकायदा लिखा आता कि नो फंड रिक्वायर्ड, कोई फंडा की जरूरत नहीं होंगी, सो इस करके थोड़ा फंडा की लड़ जी है वो नहीं हैगी, सो घबराने की लड़ नहीं, तुम जोड़ा है विदाउट फंडा तो वीजा भी अपलाई कर सकते हो। सो दोस्तों ये सके थोड़े अज्ञा सवाल, थोड़े कमेंट तो मेरे जवाब, उम्मीद करता थोड़ा वधिया लगे हो, जेकर मेरी वीडियो वधिया लग रही है तो लाइक तो शेयर करो ताकि वो तो वो लोगों तक ये वीडियो जा सके, और जिहड़े पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर, बैल का बटन दबाण, पेज लाइक कर, इंस्टा से फॉलो कर, ताकि सब तो पहला थोड़ा वीडियो मिल सके। बहुत धन्यवाद। होर तुम कोई इनक्वायरी करना चाहते हो, तुम कोई सवाल पूछना चाहते हो मेरी किसी भी वीडियो से, तुम मैं कोई सवाल कर सकते हैं, और तुम मिलना चाहते हो किसी भी ऑफिस आ सकते हो, होर बधेरी जानकारी लिए तुम आपका केस डिस्कस करना चाहते हो, केस अप्लाई करना चाहते हो, स्क्रीन के 3 नंबर से कॉल कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।